हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम इसको बोर्ड में फिट कर लेते हैं। देखिए, आपको बाज़ार में इस तरह का बोर्ड मिलेगा, लेकिन इसको आप यहाँ पर दाग दिया हुआ, इसको आपको कटिंग कर लेना है। देखिए, हाथ से इस तरह लगाइए, अपने टूट जाएगा। चलिए हम इसमें सॉकेट और स्विच को फिट कर लेते हैं। हम स्विच को भी बोर्ड में सेट कर लेते हैं। देखिए, हम स्विच और सॉकेट को बोर्ड में सेट कर लिया है। चलिए हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप बोर्ड में कनेक्शन करें तो आप लाइन वाली वायर जो है तो हमेशा याद रखें कि राइट साइड ही हो, एल वाले 5 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में। तो देखिए, हम वायर के एक एंड को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया और वायर के दूसरे एंड को 5 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स, यदि हमारा यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, हमारी फेज वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। मेन फेज की वायर हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट करूंगा। देखिए, हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में मेन फेज की वायर को कनेक्ट कर दिया। अब न्यूट्रल वायर को हम 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड में न्यूट्रल और फेज की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब हम इसको सीधा करके पावर देकर ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड में पावर दे दिया। अब सॉकेट को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और हमारे बोर्ड की वायरिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई है। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।